मराठा आंदोलन अभी सुलझा ही नहीं कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज लातूर में जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए। लातूर में मुस्लिम आरक्षण को लेकर आज लातूर के गांधी चौक में जेल भरो आंदोलन किया गया, जिसमें हजारों मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे। सकल मराठा समाज और सकल धनगर समाज के कार्यकर्ताओं ने भी मुस्लिम समाज को अपना समर्थन दिया और आगे की आरक्षण की लड़ाई मराठा मुस्लिम और धनगर समाज एक साथ करेंगे। लातूर के कांग्रेस के विधायक अमित देशमुख ने भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर अपना समर्थन हाजिरी लगाकर दिखाया। मुस्लिम आरक्षण को लेकर पूरे राज्यों में जमीयत उलमाए हिंद की ओर से पूरे जिलों के तहसीलों के सामने धरना आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर अन्य प्रकार से धरने दिए। मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन, एजुकेशन, सुरक्षा मिले, इस मांग को लेकर आज आंदोलन किए गए। रघुनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमीशन और डॉक्टर महमूदुर रहमान कमीशन, इनकी रिपोर्ट के जरिए रिजर्वेशन, एजुकेशन, सुरक्षा मिले, इस तरह की मांग को लेकर मुस्लिम आरक्षण के कार्यकर्ताओं ने लातूर के गांधी चौक में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह से लातूर जिले के औसा शहर में भी जमीयत उलमाए हिंद की ओर से औसा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। आप देख सकते हैं औसा तहसीलदार को जमीयत उलमाए हिंद के पदाधिकारी ज्ञापन सौंपते हुए। औसा से इलियास चौधरी, जनतेचे मत, औसा लातूर। पूरे महाराष्ट्र भर में मुसलमानों के हकूक के ताल्लुक से एहतजाजी धरने हो रहे हैं। आज औसा तालुके का धरना औसा तहसील ऑफिस पर लाया गया है। हम लोग यहाँ पर धरना देते हुए अभी तहसीलदार साहब को निवेदन दिए हैं कि मुसलमानों के लिए भी आरक्षण दिया जाए। मुसलमानों की जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक और महमूदुर रहमान कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की हालत इस वक्त में मुल्क में दलितों से बहुत नीचे है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें भी आरक्षण दिया जाए ताकि मुसलमान भी आगे बढ़ चढ़ के इस देश का एक हिस्सा बने और अच्छा काम करते रहें।